नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे अनमोल दिन हमारा जन्मदिन। हमारे जन्मदिन का सबसे खास दिन होता है हमारे लिए और सभी के लिए। सभी चाहते हैं कि हमारा जन्मदिन जब भी आए या बर्थडे आए तो उसका सेलिब्रेशन कुछ अलग और हटकर होना चाहिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा चाहत होती है गिफ्ट की। आपने हमेशा देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का जब भी बर्थडे आने वाला होता है तो वो पहले से ही अपनी विशेष रखना शुरू कर देते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, कि पापा मुझे ये चाहिए, और उन चीज़ों की विश करने के लिए वह कभी सोचते नहीं हैं। लेकिन हमारे पुराणों में लिखा है कि आप कभी भी जन्मदिन पर किसी को भी तोहफा देने जाएं तो हमेशा अपने पुराणों को देखकर ही दें, क्योंकि गिफ्ट कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए या फिर आप जिसका बर्थडे है उसके लिए सबसे बेकार हो सकता है। उसकी ज़िंदगी के वह जो खास पल हैं वो उसके बिगड़ भी सकते हैं। तो आज जानते हैं कि बर्थडे के दिन कौन से उपहार देने से शनि महाराज आपसे गुस्सा हो सकते हैं और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा दुखी बना सकते हैं। भगवान शनिदेव को सभी अच्छे से जानते हैं। भगवान शनिदेव का गुस्सा भी हर कोई जानता है, क्योंकि वह तल बदल में ही भूचाल उठा सकते हैं। भगवान शनिदेव को हम खुश करने के लिए कितनी भी कोशिश करें लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऐसे कार्य भी कर देते हैं जिसकी वजह से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। और यदि आप शनिवार को किसी का बर्थडे पड़ रहा है तो उस दिन यदि आप ये गिफ्ट उसको दे देते हैं तो उससे आपके और उस बड़े गर्ल या बड़े बॉय के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं और शनिदेव का क्रोध दोगुना होने की वजह से उसका जीवन बचपन से ही शनिदेव के क्रोध में घिर सकता है। जब भी आपके घर में या फिर आपके किसी भी फ्रेंड में या फिर आपके परिवार में कहीं भी बर्थडे होता है और बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय का जन्मदिन आपका हमेशा शनिवार को पड़ता है, हमेशा तो नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर बर्थडे का दिन शनिवार पड़ता है तो आप चांदी के आभूषण बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जिसको भी आप जिसका बर्थडे है यदि आप उसे चांदी के आभूषण देते हैं तो उस व्यक्ति को कर्ज में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उस पे जो कर्जा है उसका वह वृद्धि में बढ़ जाता है, उसका कर्जा दो गुना बढ़ सकता है, क्योंकि शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं शनिवार को आभूषण देने से। यानी कि चांदी के आभूषण यदि आप गिफ्ट में देते हैं तो वह शनिदेव को क्रोध करता है और क्रोध करने के साथ साथ आपके जीवन में कर्ज को बढ़ा सकता है। मोती, कभी भी बड़े गर्ल या बड़े बॉय को मोती भी ना दें, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि बच्चों को मालाएं बहुत पसंद होती हैं। मालाएं पसंद होने के कारण हम उन्हें माला दे भी देते हैं या फिर ऐसा मोती दे देते हैं, ऐसा हम पेंडेंट दे देते हैं जिसमें कोई ना कोई मोती होता है। तो वह मोती भगवान शनिदेव के यंत्र से हमें जो खुशियाँ मिलती हैं वह दूर कर देता है और शनिदेव के क्रोध को बढ़ा सकता है, जिससे कि उसके जीवन में दोगुनी बाधाएं आएंगी, उसके जीवन में शनिदेव का क्रोध बढ़ जाएगा जिससे उसका जीवन कठिनाई पूर्व हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी मोती गिफ्ट में ना दें। तांबे के बर्तन, हमने अक्सर देखा है कभी भी छोटी लड़की का बर्थडे होता है तो बड़े गर्ल के लिए हम लोग कुछ बर्तनों का सेट दे देते हैं ताकि वह खुश हो जाए और खुश होने के साथ उन बर्तनों के साथ खेले, क्योंकि लड़कियां हमने खास कर देखी हैं या तो गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलती हैं या फिर बर्तनों के साथ। यदि आप सोच रहे हैं कुछ बर्तन देने के बारे में तो आप तांबे के बर्तन बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि तांबे के बर्तन नुकसान देते हैं और घर के सदस्यों का जो व्यापार में मुनाफा हो रहा है वह घाटे में परिवर्तित हो सकता है। यह सिर्फ शनिदेव के क्रोध के कारण होता है, जिसकी वजह से उनका जो मुनाफा बढ़ रहा था वह घाटे में परिवर्तित हो सकता है। चॉकलेट, हम सभी जानते हैं और सभी को पता है कि चॉकलेट हर किसी का मनपसंद मिठाई का तोहफा माना जाता है। हर कोई चाहता है कि उसे चॉकलेट जरूर मिले। मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगी और छोटे छोटे बच्चों की तो क्या बात कहें। छोटे छोटे बच्चों को तो आप चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा भी दे दोगे तो उसमें भी वे खुश हो जाते हैं। लेकिन शनिवार के दिन यदि बर्थडे पड़ रहा है तो आप शनिवार को चॉकलेट बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जो मानसिक स्थिति है उसकी बिगड़ सकती है। चाहे बच्चा वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन शनिवार को यदि आप चॉकलेट दे देते हैं तो उसका मानसिक तरोबर बिल्कुल घाटे में पड़ सकता है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और यह कारण सिर्फ शनिवार के दिन पड़ने से और शनि भगवान का क्रोध पड़ने से होता है। स्टेन
चांदी या फिर लोहे की कैंची कभी भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कैंची को अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो उसके व्यापार में नुकसान तो होगा ही, उसके साथ साथ उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में तनाव जैसी स्थिति हमेशा ही बनी रहेगी और इसके कारण घर में लड़ाई झगड़े कलह हो सकती है। और उसकी वजह से कैंची के दो पीस हमेशा, हमने देखा भी है, कैंची के दो पीस हमेशा काटने का काम करते हैं जो आपके परिवार के बीच में दरार का काम करेगी यदि आप शनिवार को कैंची गिफ्ट में देते हैं। शनिदेव का क्रोध आप सभी जानते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये उपहार कभी भी किसी को भी शनिवार के दिन बिल्कुल ना दें। यदि आप उपहार के बारे में सोच रहे हैं तो इससे कुछ डिफरेंट सोचें और इससे अलग सोचें, क्योंकि ये तोहफे दूसरे की जिंदगी में खुशी की जगह दुख लेकर आ सकता है और शनिदेव का क्रोध सभी को पता है और शनिदेव के क्रोध से बचना चाहते हैं तो ये उपहार बिल्कुल भी किसी को तोहफे में ना दें, चाहे वह आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।